ट्रॉफिक हम डिस्कस करेंगे ठीक है ओके एवरीबॉडी राइट नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडीनामिक्स पहले जो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडीनामिक्स का डेफिनेशन देखिएगा उसके बाद देखिए उसका एप्लीकेशन है बहुत सारी एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडीनामिक्स का एंड उसी के साथ थर्मोडाइनामिक्स जो टर्म है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मोडिनमिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ठीक है फर्स्ट लॉ क्या है देखिएगा फर्स्ट लॉ क्या है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय बट ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फ्रॉम टू इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ अनदर डब्लू अमाउंट ऑफ वर्क इज कॉन्वर्टेड टू क्यू अमाउंट ऑफ हिट देन डब्लू वेरीअ क्यू डब्लू बाई क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिस कॉन्स्टेंट नोन एज द जूल इक्विवलेंट और केमिकल इक्विवेलेंट डब्लू बाई क्यू इक्वल टू जे दिस इज़ द फर्स्ट लॉ जूल्स जूल का जो लॉ है जो लॉ का मोडिफाई रूफ है ठीक है उसके बाद देखिएगा ये जो लॉ है दो एक ही साथ में दो काम करता है एक इंटरनल जो एनर्जी है वो का काम करता है एंड इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है एंड दूसरा जो वर्क डन है बाकी जो है हीट है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है सो इफ ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट इज़ डी क्यू एंड फॉर दिस इफ ए लिटिल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज इज डी यू एंड वर्क डन इज़ डी डब्ल्यू देन डी क्यू टू डी यू प्लस डी देख लीजिएगा फर्स्ट लॉ जो है थर्मोलिन से फर्स्ट लॉ जूल का जो लॉ है उसी का मॉडिफाई रूप है जो हम हीट देता है वो टू टाइप में डिवाइड हो जाता है किसी सिस्टम में एक पार्ट इंटरनल जो एनर्जी है इंटरनल जो एनर्जी डी डी यू है उसी का इंक्रीज कर देता है एंड बाकी जो एनर्जी है बाकी जो हीट है वो वर्क डाउन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है अगर हम पकड़ लेता है जो वेरी लिटिल ऑफ अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू है वो डी क्यू दो टाइप में बढ़ जाता है देखिएगा डी यू प्लस डी डब्लू ठीक है ज़ूल का जो लॉ था डब्लू वेरी एज क्यू डन हीट में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है उसी तरह देखिएगा वही है जो जूल का जो रूल्स था वही है थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ ठीक है उसके बाद देखिए इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आने वाला जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम है यहाँ से क्वेश्चन आता है देखिएगा उसका एप्लीकेशन देखिए इंटरनल एनर्जी कब ज़ीरो है इंटरनल जो एनर्जी है फ़र्स्ट लॉ का एप्लीकेशन देखिए फ़र्स्ट लॉ इन आइसोलेटेड सिस्टम में आइसोलेटेड जो सिस्टम है उसी के देखिए डी क्यू जीरो है अगर डी क्यू जीरो हो जाता है एनर्जी हीट नहीं देता है तो सिस्टम तो ऑफ है एनर्जी कन नहीं मिलता वर्क वर्कडाउन नहीं मिलता सो देखिए आइसोलेटेड सिस्टम में डी क्यू जीरो डी डब्ल्यू भी जीरो डी यू भी ज़ीरो हो गया ठीक है उसके बाद देखिए और भी एक एप्लीकेशन फ्री फ्रीज एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन देखिएगा फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है इन दिस प्रोसेस डी क्यू इज ज़ीरो दे आर ऑल्सो डन भी जीरो साइक्लिक्स प्रोसेस है इन दिस प्रोसेस डी यू जीरो डी यू इंटरनल एनर्जी जीरो है हीट कार्जों में डन में कन्वर्ट हो गया इन ए साइक्लिक प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन टोटली कन्वर्टेड टू वर्क दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस है ओके नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस है देखिएगा आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है आइसोकोरेज प्रोसेस जो है इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रिमेन अनचेंज इन दिस सिस्टम सो डी यू विकल टू जीरो डी यू इंटरनल एनर्जी जो है जीरो है इंटरनल एनर्जी जीरो सो डी क्यू विकल टू डी यू और क्यू विकल टू यू टू माइनस यू वन इन दिस प्रोसेस दै गिव एन हीट ऑनली इनक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दिस इज द आइसोकोरिक प्रोसेस है उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस इन दिस प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन कॉन्स्टेंट आइसोबारिक जो प्रोसेस है इसी का प्रेशर कांस्टेंट है सो प्रेशर इज डी डब्लू इक्वल टू पी डी वी डी और डन इक्वल टू पी डी वी के साथ है सो डी वी के जो फर्स्ट लॉ जो इक्वेशन है डी वी का मान इसका जो वैल्यू है पोट कीजिए डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी हो गया सो क्यू इक्वल टू देखिएगा उसका वैल्यू पोट कीजिएगा सो क्यू इक्वल टू डी क्यू तो थोड़ा सा लिटिल अमाउंट का अमाउंट है किसका ना ये है हीट का है डी क्यू है सो क्यू इक्वल टू ए लार्ज वैल्यू है यू टू माइनस यू वन प्लस पी भी टू माइनस भी ऑन दिस इज द आइसो बारिक प्रोसेस है ओके जो क्वेश्चन आ जाता है जो आने वाला एग्जाम में आइसो बारिक प्रोसेस में कौन सा रिमाइंड कॉन्स्टेंट है वो दे, दे देता है इक्वेशन नहीं देता देखिए इस प्रोसेस में जो कॉन्स्टेंट है गैस जो है द प्रेशर ऑफ गैस प्रेशर कॉन्स्टेंट है आइसोकोरिक में वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट हो जाता है इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है ठीक है एप्लीकेशन देखिए फर्स्ट लॉ का जो एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस है आइसोथर्मल जो प्रोसेस है देखिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस इस प्रोसेस में थोड़ा सा देखिए इन दिस प्रोसेस दैट टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है इन दिस सिस्टम में आइसो आइसोथर्मल जो प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है इन दिस प्रोसेस डी की इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी वी ओके दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके बाद देखिएगा हम डिस्कस करेंगे लेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस ओके एवरीबॉडी लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल द पैरासा चैनल है थ्री आइडिया अकेडमी है देखिएगा आपको आने वाला जो क्वेश्चन एग्ज़ाम है हर एग्ज़ाम का जो मैथ रीजनिंग एंड जीके मैथ रीजनिंग जीके जीआई रीजनिंग में जितना टाइप है सब टाइप का आपको नोट्स या प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा सो एवरीबॉडी वॉच दिस वीडियो एंड वर्ल्ड वीडियोज ऑल्सो एंड हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी दे देंगे व दे दिया था कुछ का ओके एवरीबॉडी नोट कीजिए पॉज करके लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ या किसी ग्रुप के साथ ओके एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल फॉर एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ओके एवरीबॉडी कंटिन्यू देखिए उसके बाद एडियोबैटिक जो प्रोसेस है एडियोबैटिक प्रोसेस इन दिस प्रोसेस इन ए सिस्टम नो हीट इज़ कमिंग और नो हीट इन गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, एडियोबैटिक जो सिस्टम है इसमें कोई हीट नहीं आ जाएगा नहीं आने वाला है एंड अंदर से कोई हीट नहीं निकले वाला है ठीक है नो हीट इज़ कमिंग और नो हीट इज गोइंग आउट ऑफ़ द सिस्टम सो डी क्यू इक्वल टू जीरो डी क्यू जीरो एंड डी वी प्लस डी यू इक्वल टू जीरो यूनिट ऑफ जे सी जी एस जो यूनिट है उसका आ, आर्ग पर कैलोरी हो जाएगा उसका वैल्यू है एग वन जूल का फोर पॉइंट टू इंटू टेन टू और सेवन आर्ग पर कैलोरी ओके नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या है देखिएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जो है वो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे गैस का दो स्पेसिफिक हीट है ओके दीज आर टू टाइप्स इन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक हीट सी भी एंड कांस्टेंट प्रेशर ऑफ स्पेसिफिक हीट सी पी ठीक है सी पी हमेशा सी सी भी से बड़ा है ठीक है सी पी गेटर देन सी वी सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर वन ग्राम गैस के लिए फॉर वन ग्राम गैस के लिए सी वी सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर वेयर आर इज़ द गैस कॉन्स्टेंट फॉर वन ग्राम गैस फॉर एनी गैस गामा जो है स्पेसिफिक हीट उसका जो वैल्यू उसका वैल्यू थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से स्पेसिफिक हीट इन कॉन्स्टेंट टी प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट इन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो है फॉर हीलियम गैस के लिए हीलियम, नियोन दो और मोनो ऐटोमिक जो गैस है उसका वैल्यू है लैम्डा जो है लैम्डा का वैल्यू वन पॉइंट सिक्स है मोनो एटोमिक गैस के लिए स्पेसिफिक जो हीट है ठीक है उसके बाद देखिए डायाटोमिक जो गैस है ये माना आ जाता है एग्जाम में मोनोआटोमिक के लिए लैमडा का वैल्यू क्या है ठीक है उसके बाद देखिए मोनो डायाटोमिक जो है वन पॉइंट फोर है एंड ट्रायाटोमिक का जो वैल्यू है वन पॉइंट थ्री और पॉलीआटोमिक गैस जो है उसके लिए देखिएगा वन पॉइंट थ्री एंड वन पॉइंट वन वन इसका बीच में आ जाता है देखिए ये ध्यान से देखिएगा जो पॉलीआटमिक हम लोग जानते हैं ट्रायाटोमिक का 1.3 है लेकिन और भी इसका वैल्यू हो सकता है इसका बीच में पॉली जो गैस है उसका वैल्यू है 1.3 एंड 1.1 का बीच में आ जाता है ठीक है स्पेसिफिक जो हीट है हीट का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोआटोमिक गैस के लिए 1.66, पॉइंट के लिए 1.4 एंड ट्राईटोमिक का वैल्यू है 1.3 एंड पॉली एटोमिक जो गैस है उसका वैल्यू है वन पॉइंट थ्री एंड वन पॉइंट वन वन के बीच में आ जाता है ठीक है तो देखते रहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोल्स को जो एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला क्वेश्चन एग्जाम में ओके okay? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल सिस्टम में डन क्या है एंड एडोमेटिक प्रोसेस में ऑर्डर किया है सपोज यू टूक वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस द इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ़ दैट आइडियल गैस इज़ भी ऑन भी ऑन, पी ऑन, एंड टी ऑन। इन दिस स्टेज इट इज़ द एक्सपेंडेड बाय आइसोथर्मल प्रोसेस एंड टी ऑन एंड दिस लास्ट वॉलूम प्रेशर एंड टेम्परेचर भी टू पी टू एंड टी वन सो आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर रिमेन कॉन्सटेंट आइसोथर्मल जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर रिमेन कॉन्सटेंट है एक क्वेश्चन आ जाता है आइसोथर्मल जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट देन दर्डन दे दें दर्डन दे देखिए डन क्या है एक टेम्परेचर कॉन्सटेंट है सो दिस इज़ द इक्वेशन टोटल डन ऑफ द गैस टोटल जो सिस्टम है उसी का देखिए भी वन से भी टू इंटीग्रेशन कीजिए ठीक है टेम्परेचर कांस्टेंट है सो पी डी वी दिस इज़ द दर्कडन वी वन से वी टू लिमिट लोअर लिमिट से अपर लिमिट डेरिवेटिव कीजिएगा इसका वैल्यू आ जाएगा दिस इज़ द वर्क डन है ओके सो डिस्कस एडियोबेटिक प्रोसेस उसी तरह से देखिएगा पी वी लैम्डा टू कॉन्स्टेंट फॉर वन मोल आइडियल गैस इन पी इक्वल टू प्रेशर इफ इट्स वॉल्यूम इन एडियोबेटिक प्रोसेस चेंजेस फ्रॉम V2 टू टू वी वन देन वर्क डन W इक्वल टू देखिएगा एडियोबेटिक जो प्रोसेस है उसमें देखिएगा जो लैमडा है लैमडा थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा तो दिक्कत इतना नहीं होगा ठीक है देखिए जो कॉमन है उसका देखिएगा उसका इंटीग्रेशन कीजिए आ जाएगा इसका वैल्यू ओके एवरीबॉडी? आने वाला जो एग्ज़ाम है इसमें आ जाएगा जो नीट का जो इसमें नीट का भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ठीक है सो एवरीबॉडी लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ओके आज का वीडियो इतना सा काफ़ी है सो so, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड सब्सक्राइब